हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, लंबे समय से बनी हुई जो दुविधा थी, आज उसका अंत हो चुका है। और आज जो है यहाँ पे रेलवे ऑफिशियल्स के साथ जो है और टीचर्स की मीटिंग हुई, और फाइनली जो डिसीज़न है वो ले लिया जा चुका है। और इसमें छात्रों के लिए एक अच्छी और एक बहुत ही बुरी खबर है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके बाद आपके मन से सारे डाउट्स निकल जाएंगे। और साथ ही मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है रेलवे ऑफिशियल्स ने बताया है, और सारा अपडेट आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। बढ़ने से पहले, टेस्ट बुक की तरफ से जनवरी विजडम सेल अभी चल रहा है, जिसका लाभ आप लोग 27 से लेके 31 जनवरी के बीच में ले सकते हैं। यहाँ पर जो ईयरली टेस्ट बुक का पास है वो आपको 499 के बजाय 269 में मिल जाएगा। साथ ही जो ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो है वो 699 के बजाय 314 में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको मैं दूंगा उस पर जब क्लिक करेंगे आप लोग, तो इसको परचेज करते टाइम आपको EG10 कोड का यूज़ करना है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसका लाभ आप लोग जरूर लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। और अगर ELP की बात करें तो जो 2018 की वैकेंसी थी उसमें 82% से ज़्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली टेस्ट बुक से देखने को मिले थे, और बहुत सारे सिलेक्शंस यहाँ पे टेस्ट बुक की तरफ से हुए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, स्क्रीन पर आप एक फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे जो टीचर्स हैं पटना के, आज उनको यहाँ पे 4 बजे मीटिंग के लिए बुलाया गया था। और जो रेलवे के ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर आए थे, GM जो हैं जनरल मैनेजर वो भी थे साथ में, और भी रेलवे के ऑफिशियल्स थे, और सारी बातों को सुना गया। और जो फाइनल डिसीजन है वो यहाँ पे बता दिया गया है। अब सबसे अच्छी खबर यहाँ पे ये है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेकर। रेलवे GM ने, चेयरमैन जो वहाँ पे मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने ऑफिशियली ये बता दिया है कि टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आएगी और वो ELP से अलग आएगी। अलग आने का रीज़न भी उन्होंने बताया है कि ELP और टेक्नीशियन के जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग होते हैं। ELP में साइको टेस्ट होता है, उसमें साइको टेस्ट नहीं होता है टेक्नीशियन में। इस कारण से टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसको अलग इस बार दिया जाएगा, और टेक्नीशियन के पद बहुत जल्द आपको अलग से देखने को मिलेंगे। ये तो आपको एक गुड न्यूज़ मैंने दी है, लेकिन एक बैड न्यूज़ भी है। और वो बैड न्यूज़ ये है कि ELP की जो वैकेंसी है अब उसको इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा। रेलवे ऑफिशियल्स ने ये बात साफ कर दी है कि वैकेंसी को हम नहीं बढ़ाएंगे। हमारे पास जो अभी रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसीज अवेलेबल हैं वो 3,000 के समथिंग है, लेकिन उसमें कुछ एंटिसिपेटेड वैकेंसीज़ को ऐड करके 5,696 वैकेंसी निकाली गई है, जिसको इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा, चाहे छात्र कितना भी यहाँ पे प्रेशराइज़ कर लें, क्योंकि उनके पास वैकेंसीज़ अवेलेबल नहीं है। ये रेलवे ऑफिशियल्स का कहना है। बाकी फ्यूचर में अगर वैकेंसीज थोड़ी बहुत आवश्यकता पड़ती है तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलते हुए ही उसको बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही बात करें ग्रुप डी और NTPC को लेकर, बोला गया है कि जितनी आवश्यकता होगी ग्रुप डी NTPC की वैकेंसी निकाली जाएगी, लेकिन अभी ग्रुप डी NTPC की वैकेंसी की संभावना नहीं है। तो ये मैंने आपको समराइज़ कर दिया। अब चलिए वीडियो भी मैं लगा देता हूं जो रेलवे के ऑफिशियल्स ने बयान दिए हैं, वो बयान भी आप लोग सुन सकते हैं। उन लोगों में ऐसी भ्रांतियां थी कि भाई पहले लोगों 50 लाख लोग 15 लाख वैकेंसीज होना चाहिए, 1.5 लाख वैकेंसीज होना चाहिए लोगों का, उतना नहीं होता है। हमारे पास केवल 10,000 इलेक्ट्रिक लोगों हैं और कुछ 4,000 समथिंग डीजल लोग हैं, उन सबकी रिक्वायरमेंट भी उतना ELP नहीं होता है। तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जो एक्चुअल आज की डेट में हमारे पास लोको ELP की 3,100 वैकेंसीज थी, उन 3,100 वैकेंसीज के अगेंस्ट हमने कुछ एंटीसिपेटेड एग्जाम लेने का टाइम उन सबको ऐड करके 5,600 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन दिया है। और उस नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि जब एग्जाम होगा पैनल बनेगा, अगर उस समय रेलवे की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसको ज़्यादा बढ़ा के ले सकते हैं, जैसा कि पहले भी करते रहे। रेलवे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट भी तेज़ी से बढ़ रही है, आप सबको पता है। इसलिए रिक्वायरमेंट भी उसी के हिसाब से हर साल असेस करके एक्चुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर साल भर्तियां करने का प्लानिंग किया गया, जो रेलवे के लिए और अपने बच्चों के लिए दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन और अच्छा रहेगा।